इंटरनेट का उपयोग बढ़ने लगा है, इससे जुड़ी टर्मिनोलॉजी को हम सुनने लगे हैं। उनमें से क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आजकल हम बहुत सुन रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हाउ कैन वी यूज क्लाउड कंप्यूटिंग इन अवर डेली लाइफ, इस पे आज हम बात करने वाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी लाइफ में इतनी महत्वपूर्ण कैसे है या यह महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कहते किसे हैं। आपके पास जो डेटा होता है, जो डिजिटल डेटा होता है, वह डिजिटल डेटा किसी न किसी डिवाइस में स्टोर होता है, चाहे आपके मोबाइल में हो, चाहे आपके लैपटॉप में हो, चाहे आपके कंप्यूटर्स में हो। यह डिजिटल डेटा आपके फोटोज का, आपके वीडियो का, आपके डॉक्यूमेंट का, आपके हेल्थ से जुड़े हुए जो फिगर्स हैं उनका, आपके बैंक से जुड़े हुए फिगर्स हैं उनका, आपकी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके अन्य जो भी चीजें हैं, उन किसी ना किसी का डेटा आपके किसी ना किसी डिवाइस में होता है। एंड एट दैट टाइम वी फील दैट योर स्टोरेज डिवाइस इज लिटिल बिट लेस, आपको स्टोरेज डिवाइस की कमी महसूस होने लगती है। तो आप चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल बहुत फोटो खींचता है, वीडियो बनाता रहता है, और उसका एक समय आता है कि वो वीडियोस और फोटोज की वजह से उसकी जो मेमोरी है वो फुल हो जाती है। तो आपको ऐसे में या तो अपने वीडियोस को या फोटोज को डिलीट करना पड़ता है या अपने इंपॉर्टेंट डेटा को डिलीट करना पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि आपका ये डेटा इस स्टोरेज डिवाइस के साथ साथ किसी ऐसी जगह पर स्टोर हो जाए जहां पर आपके डेटा को सेफ रखा जा सके और आप जब चाहे उस डेटा का इस्तेमाल कर सकें, यहां तक कि यदि आपके मोबाइल से वह डेटा डिलीट भी हो गया हो तो। यस, यह संभव है, क्योंकि अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसका यही काम है, आपके डेटा को एक नेटवर्क सर्विस के आधार पर किसी एक जगह पर स्टोर करना, और उस जगह को जहां पर आपका डेटा स्टोर होता है उसको क्लाउड प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। जैसे आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव है, आपका मोबाइल में आपके फोन नंबर्स, आपके इम्पोर्टेंट फोटोज, वीडियोज या जो भी आपके इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं वो गूगल ड्राइव में आप सेव कर देते हैं। तो यदि आपके मोबाइल के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है, जैसे खो जाता है, डैमेज हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है, उस कंडीशन में जब आप दूसरा नया मोबाइल लेते हैं और आपने लॉग इन आई डी से आप जब उस पर पहुंचते हैं, तो आपका वह सारा डेटा जो गूगल ड्राइव में सेव था उस मोबाइल में आ जाता है और आपका उस डेटा का नुकसान होने से बच जाता है। डेटा इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ नाउ डेज। डेटा इज इन फॉर्म ऑफ मनी, डेटा इज इन फॉर्म ऑफ योर हेल्थ केयर, डेटा इज इन फॉर्म ऑफ योर डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डेटा इज रिलेटेड विथ योर ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑल थिंग्स आर डेफिनेटली नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो ऐसे में आप उस डेटा को नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल ड्राइव है, जो लोग मोबाइल पर जियो क्लाउड्स का इस्तेमाल करते हैं, जियो सिम डालते होंगे तो आपको करीब 10 GB का जियो प्लेटफॉर्म्स मिल जाता है जहां पर आपके मोबाइल पर ही वो सारी चीजें स्टोर होती हैं। अभी मैं जिस मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ इसमें जियो क्लाउड्स और गूगल ड्राइव दोनों प्लेटफॉर्म हैं। जियो क्लाउड्स में मेरी करीब 12,000 फोटो सेव्स हैं, जो किसी भी मोबाइल पर जब डैमेज हो जाता है तो मैं जब मोबाइल दूसरा लेता हूँ तो मैं उस मोबाइल पर उन सारी फोटोज को द्वारा से डाउनलोड कर सकता हूँ, असेस कर सकता हूँ। इट इज इम्पोर्टेंट फीचर। इसके अलावा कुछ बहुत चर्चित क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म जैसे मैंने कहा, ये वो जगह होती है जहां पर आपके नेटवर्क सर्विस पर आपका डेटा स्टोर होता है, उसकी प्राइवेसी होती है, उसकी सिक्योरिटी होती है, और वह डेटा आप 4 महत्वपूर्ण वजहों से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक, ऑलवेज ऑन, हमेशा आपके लिए उपलब्ध होता है, आप जब चाहे उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एनीवेयर, कहीं पर भी, नॉट ओनली इन योर कंट्री, इट कैन बी असेस इन अब्रॉड ऑल्सो, और आप जब कहीं पर भी आप अपने डिवाइस को नहीं ले गए हैं तो आप नेटवर्क का यूज करके और आप अपनी लॉगिन आईडी से उस डेटा का यूज कर सकते हैं। एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं, एनी प्लेस, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं, जैसे आपको गूगल प्लेटफॉर्म सॉरी क्लाउड प्लेटफॉर्म या क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करना सीखना ही होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे मैंने गूगल ड्राइव और जियो क्लाउड्स बताया, इसके अलावा 4-5 और इम्पोर्टेंट कुछ प्लेटफॉर्म्स मैं बताने वाला हूँ। थिंक स्पीक, यह एक गूगल प्लेटफॉर्म है, आप गूगल गूगल पर सर्व करेंगे, यह क्लाउड प्लेटफॉर्म है थिंक स्पीक, इस पर आप जाके क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को परचेज कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका
फीस रहता है यूबी डॉट्स यूबी डॉट्स अमेजॉन वेब सर्विस, अमेजॉन वेबसाइट क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आजकल बहुत उपयोग हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट अजर पर भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी है। एक्सट्रीम क्लाउड पे है, एक और BNC व्यूअर नाम से आपको वेबसाइट मिलेगी। इन वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस प्लेटफॉर्म पर आप लॉगिन कर सकते अपनी लॉगिन आईडी प्राप्त कर सकते हैं और उसके कुछ चार्जेज होंगे, वो नॉमिनल चार्ज हैं, और वहाँ पर आप अपनी डिवाइस को उसको जोड़ सकते हैं। तो जो आपके डिवाइस या आपके कुछ सेंसर बेस या IoT बेस जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन या डेटा होता है उसको आप जोड़ देंगे तो वो आपके वहाँ पर सेव होते रहेंगे। सो इट इज़ वेरी यूजफुल टूल बिकॉज nowadays data is a very important part of your life. Suppose that if you are using some healthcare, so that kind of data is also very important for your life. And if you are using the banking data, so that is also very important. And not only in this case, agriculture, your industry, your business purpose, your academic. Suppose if you have a lot of books and you cannot carry all time your books, so you can put those books in that platform and you can access anywhere whenever you need them. So it is very important and it is very useful tool cloud computing. And technical aspect iska jo hai wo hai, par iske jo use hain wo aapke liye bahut important hai. Aapko simply ye karna hoga kisi ek platform pe jaake Google Drive jaisa ki aapko apna ek स्पेस खरीदना होगा, उस स्पेस को आपने अपने डिवाइस से लिंक करना होगा तो अपने डेटा को उस पर स्टोर करना होगा, और यह डेटा सिक्योरिटी पर्पस से आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ही रखा जाता है। इस पर किसी भी प्रकार की अभी तक कोई ऐसी बड़ी शिकायत सुनने को नहीं मिली है। जैसे आप देखते हैं कि जो हमारा आधार कार्ड है इसका डेटा भी कहीं एक जगह सेव होता है, जो हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसका डेटा भी कहीं एक जगह सेव होता है। वो सब बड़े नेटवर्क हैं, बड़े सर्वर्स हैं, लेकिन जो छोटे छोटे सर्वर या नेटवर्किंग सर्विस से एक जैसे ही होते हैं, पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से जब छोटा स्पेस लेते हैं, जितने स्पेस में आपका डेटा रखा जा सकता है उस डेटे को आप सिक्योरिटी के साथ और परपजफुली आप उस पर रख सकते हैं। सो इट इज वेरी यूजफुल टूल एंड यू शुड टू फैमिलियर विद दिस काइंड ऑफ थिंकिंग एंड दिस काइंड ऑफ इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी विच है वेरी यूजफुल फॉर योर लाइफ। I think it is very important video for all of you, and hopefully you are learning something about this thing. And internet-based thinking, internet-based things are very important. So in very next video, I am trying to explain all those important things which are nowadays using, especially for internet-based learning or internet-based facilitations. And same time, you can also visit for science-based learning on my YouTube channel. So you can subscribe this channel. आपको अच्छा लगेगा और मैं इस टाइप की एक सीरीज ऑफ वीडियोस को प्लान करता रहता हूँ। So hopefully you are enjoying this video and hopefully you also enjoy the digital data life by using the cloud computing, by using the cloud platforms. And you will never miss your data, you will never lose your data, you always feel that you have a strong amount of data in your hand, you have